प्लीज मौसी पागल है, मैं मर गया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ और भाई बहुत खुश है हमको चाउमीन खिला के। क्या बात है भाई, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, बता दो। गोबर खा ले। क्या? गोबर खा ले। सही है मौसी, कैसी कैसी बातें करते रहते हो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी। आंटी भी आ गए आज। आंटी ने नमस्ते अंकल जी। नमस्कार। नमस्कार। बढ़िया हूँ अंकल जी, आपका स्वागत है थैंक यू पूजा में आपका। थैंक यू। तो अभी भाई सारे के सारे हम सुबह आंटी के घर पे, मतलब अंकल आंटी के घर पे इकट्ठे हो गए, क्योंकि आज आंटी ने 56 भोग बनाया और गोवर्धन पूजा होगी। हाँ ये वाली कटोरी अभी खाली है क्योंकि इसमें डलेंगे अभी चावल जो कि बन रहे हैं। बहुत बहुत कुछ बनाया आंटी ने। ये लाल वाला शरबत है और ये शहद है छोटी सी कटोरी में, और बाकी बहुत कुछ है। बाकी अब मेरे को, मैंने सोचा था आज मैंने डोमिनोज का पिज्जा खाऊंगा मम्मी, लेकिन आंटी ने इतना सब कुछ बना दिया ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई यहीं पे खा पी लेंगे मस्त। माधो ये भी पिज्जा से कम नहीं है। हाँ ये भी पिज्जा से कम नहीं है, मतलब जब खीर चावल सब कुछ बना रखा है आंटी ने, बहुत कुछ ये चिल्ला भी बना रखा है, तो मजा आ गया आज। कह रहे हैं वो जो कल रात वाली डाइट नहीं ली थी ना मैंने बढ़िया वाली, वो अब मेरे को आज मिल जाएगी। ये अंकल कह रहे थे अब बनाता, चादर बिछाई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिछा लो चादर, अब रख दो सामान, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी कान्हा जी को बिठाएंगे और फिर पूजा आएंगे। आंटी मेरे को बोल रही थी कि आज हम लोग बना ले तू तेरा। हाँ। मैं बोला आ रहा हूँ चलो, और बिना नहाए आ गया। आंटी तो कर रही है बढ़िया तैयारियां, और आंटी मेरे को सुबह सुबह, मतलब सुबह नहीं दोपहर को बुलाने आए थे, और मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ। तो आंटी आप लोग पूजा करो इतने, ठीक है? और मैं इतने नहा धो के आता हूँ और फिर पकवान खा लूंगा। तो आपने तो ढोलक वगैरह सब कुछ घर पे ही रख रखे है मम्मी, इंस्ट्रूमेंट वगैरह करो, आप पूजा करो फिर। जो शिकार करते हैं ना, जो शिकार करते हैं हाँ, वो हथियार भी रखते हैं। सही बात है। चलो मैं नहा के आता हूँ इतने। मैं ना अभी प्रसाद लेने आया था। कैसा है भाई? ठीक है। तो प्रसाद लेने आए थे अभी मंदिर में। एक्चुअली क्या होता है ना, दिवाली के बाद प्रसाद वगैरह मिलता है मंदिरों में, तो वही लेने आया था। और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। और अभी मम्मी ने भेज दिया मुझे सीधा, शोर भी बहुत है यहाँ पे। आंटी नमस्ते, भीड़ तो बहुत है यहाँ पे है। मैं ये सोच रहा हूँ इतनी भीड़ में जाने से अच्छा है घर निकल लेते हैं, वैसे कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। मैं जा रहा था और ये दोनों छोटे बच्चे मेरे को मिल गए और बोले भैया व्लॉग में ले लो। तो आ गए व्लॉग में, नाम तो बताओ। हेलो तो करो, ऐसे ही ऐसे स्माइल करो ना, ऐसे। हेलो। हाँ ऐसे, शर्मा रहा क्या मेरे से? तो मैं तो जा रहा हूँ घर यार, भीड़ बहुत है, मेरा मन ही नहीं है इतनी भीड़ में। भाभी है और अब ये कह रहे हैं कि आप मुझे टिफिन दे दो, मैं टिफिन ले आऊंगी। शर्मा ही बोल रहे हो आप तो, कमाल हो गया। खैर मैं चलता हूँ घर की तरफ। पापा को देख रहे हैं मुंह की तरफ, भी चाचू खा रहे हैं हैं। और आरू कानू आरू ओ कानू, चाचू नहीं दे रहे, आप भी अपने खा रहे हैं। कानू थोड़ी सी तोड़ के मुंह के लगा फिर ले लेंगे, इसका रस चुसा दे इसने पंडित ने, और छोटे पंडित आरू के बैग पैक हो रही है उठने का, कोई सो मुंह पर गया इसको तो ये लटक गया बहुत। तो मैं आरव के पास आ गया था और आज ये मतलब नाराज ही रहता है। क्या हो गया बेटा, इधर देख क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो खैर खाने का जुगाड़ वहां से प्रसाद तो मिला नहीं, और आंटी ने मेरे को कड़ी चावल मतलब बना के दे दिए, और मम्मी ने तो आज खाना बनाया ही नहीं था, तो मम्मी पड़ोसियों में खाना ढूंढ रही है, माधो को कहीं से खाना मिल जाए पड़ोसियों में अगर प्रसाद नहीं मिला तो। हेलो
हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट व्लॉग्स। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। एक्चुअली ये रही मम्मी और अभी हम जा रहे हैं नानी के, और नानी नहीं दिया आज। ये तन्नू भी आ गई कैमरे में क्योंकि ये थोड़ी सी तैयार होगी इसलिए बोली, वरना मैं ढंग से कपड़े नहीं पहनती इसलिए मैं व्लॉग में नहीं आती। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं। और अभी मम्मी ने मुझे नहाने नहीं दिया, मम्मी बोली नानी के जाना है तो जल्दी से जल्दी चलो। मैंने ऊपर वाली शर्ट चेंज कर ली बस, और अब मैं निकल रहा हूँ नानी घर पे। और आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि सारे कजन्स आएंगे वहाँ पे, तो देखते हैं क्या कुछ मस्ती रहने वाली है वहाँ पे, मजा। और आंटी भी आ गई। आंटी कह रही है तू चावल तो खा के नहीं गया। मैं आंटी आज है ना, मम्मी ने पता नहीं किस किस से पूछ रखा था कि माँ तो ने खाना नहीं खाया, माँ तो को खाना खाना है। तो पहले तो मम्मी बोली कि मंदिर से प्रसाद ले और खा ले, फिर मेरे को तो भीड़ लगी, मैं वहाँ से वापस आ गया। और फिर अरुणा भाभी के, मतलब मम्मी की तो भाभी है, मेरी तो आंटी लगती है, अरुणा आंटी के घर पे मैंने खाना खा लिया। खैर अभी चलते हैं आंटी, रात को आके जरूर आपके हाथ के चावल खाऊंगा पक्का, ठीक है। ओ प्यारी मौसी आ जाओ नीचे जल्दी, आओ टुनटुन मौसी आओ। कैसे हो? डाल दिया तो क्या हो गया? टुनटुन मौसी हो आप भी पूरे। दोस्त पेट्रोल का रेट हो गया बहुत ज्यादा कम, 96 रुपीज। मजा, पेट्रोल का रेट कम करा दिया आपने तो, गले लगने वाली बात हो गई है। तो मजा आ गया, मतलब 96। मैं मतलब 3-4 बड़े दिन हो गए मेरे को उसके बाद आया हूँ और सीधा 96 मिला पेट्रोल का रेट। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, शायद अब मैं KTM ले लूँ। मम्मी का रिएक्शन देखने वाला होता है जब मैं ऐसी कोई बात कर देता हूँ। मैं KTM ले लेगा मम्मी बाइक को, KTM हेलीकॉप्टर। नानी के जाने का प्लान कैंसिल हो चुका था, उषा मौसी के घर पे आए हैं और मौसी ने भी अभी रिन्यू करवाया घर को, थोड़ी बहुत करेक्शंस थी इसमें वो करवाई है। तो अभी चलते हैं मौसी के पास। तो मौसी जी नमस्ते। मौसी क्या हो गया? मौसी कहो कोई नहीं, नमस्ते मौसी। हेलो रिया, इनकू क्या हाल है, कैसे हो? अरे और साहिल यार सबसे मिलना पड़ेगा, इतने दिन हो गए मिला ही नहीं, हैप्पी दिवाली। तो मौसी घर तो आपने बना लिया नया, ठीक है, पार्टी वगैरह भाई नीचे तो देख ले, पार्टी। अच्छा घर तो देख लेते हैं पहले, पार्टी तो बाद में भी ले ली जाएगी। यहाँ से शुरू हो गया भाई घर, और वाह क्या बात है। एक्चुअली ये तो मंदिर है, ओ भाई मंदिर तो सबने, सारी मौसियों ने बढ़िया मंदिर बना रखा है। और ये ड्राइंग रूम है, और ये रूम है बेडरूम, और ये किचन हो गई, और ये लॉबी हो गई, और यहाँ पर एक और कमरा है, ये रहा, जो कि अच्छा लग रहा है बहुत। और ये गेस्ट हाउस, मतलब गेस्ट रूम है ये वाला। क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन एक एक्स्ट्रा बना है यहाँ पे। यहाँ पे पहले मंदिर था, अब इसको बड़ा करके रसोई बना दी, और जहाँ पे रसोई थी यहाँ पे मौसी ने मंदिर बना दिया, और बाकी सब वैसा का वैसा है। बस इसमें थोड़ी सी इंटरनल चेंजेस की है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग की। तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं और देखते हैं क्या कुछ करेंगे। और रजत भी आ गया, क्या हाल है भाई रजत? बढ़िया बढ़िया, तू बता। क्या मैं मस्त हूँ यार। खैर रजत का फोन आ गया था मेरे पास रस्ते में ही कि भाई कहाँ पे है, तो मैं बोला मौसी के हूँ तू भी आ जा, तो ये आ गया, जस्ट पहुँचा ही है अभी। अभी तो आए थे हम और अभी ये जा रहे हैं। चलो ठीक है जाओ कोई बात नहीं, इनको कुछ काम आ गया अर्जेंटली तो इनको जाना पड़ेगा। चलो जाए, हम तो बैठते हैं यहीं पे थोड़ी देर। ये कितने का? 4,000 का। अच्छा मौसी, अच्छा ठीक है मौसी नहीं करेंगे कम, 4,500 का, अच्छा लग रहा है वैसे। अच्छा एक बात बताओ, आप वो बना दो यार, आज बड़े दिनों बाद आया हूँ मैं तो। क्या वो बनाते हो ना? क्या मेरी तो आज प्लीज मौसी पागल है, मैं मारूंगी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ना सारी मौसियां और मम्मी थकी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बाहर खाने चल पड़ते हैं। तो रजत, टिंकू और साहिल,
हम सारे जाएंगे साथ में, देखते हैं कहाँ जाएंगे, अभी पता नहीं है कुछ। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, मैं जैसे कल बता रहा था ना कि मेरे भाई की शादी है, तो भाई इसी की शादी है, और परसों आ रहे रिश्ते वाले, तो भाई कह रहे कि ब्लॉगिंग नहीं करने दूंगा। मैं बोला भाई ऐसा नहीं होगा, मैं ज़रूर करूंगा और आप सभी को भी बहुत इंजॉय करवाने वाला हूं। तो अभी तो हम निकलते हैं, देखते हैं कहां पे जाएंगे और क्या कुछ खाने वाले हैं, तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि यार अभी आज तो दोपहर का खाना तो ऐसे ही चावल और कढ़ी खाई थी, बस सिंपल सा ही था, तो अभी कुछ चटपटा हो जाए। स्पेशल बात, भाई की शादी है, भाई खुश नहीं दिख रहा, क्या हो गया यार पिंकू भाई? हाँ ऐसे स्माइल स्माइल कर, खुश रह, ठीक है। और सबसे मेन बात, लव मैरिज है भाई की, तो भाई इसको कैमरा में देख लूंगा, छोड़ छोड़ ले भाई, तू कहाँ लेके जा रहा है? अबे देख, चल तो सही, सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, गलत काम हुए तो वैसे है। हम तो बस इस मार्केट से निकल रहे थे और साहिल बोला भाई यहाँ की मतलब एक चाउमीन वाला है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया चाउमीन बनाता है, तो मैं दिखाता हूँ आपको ये, मतलब मैं दुकान की तरफ देख रहा था, इस तरफ आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। चाउमीन आप बनाते हैं ना भैया? तो भाई बहुत बढ़िया चाउमीन बनाता है, वैसे मैंने खाई थी 5-6 साल पहले, और मैक्रोनी वैक्रोनी डाल के बनाता है, बिल्कुल एकदम होम स्टाइल कह सकते हैं इसको, है ना, ये री चाउमीन। खैर अभी वैसे एक बात, आपका नाम है क्या? सोनू। इसका भी नाम सोनू भाई, दोस्त है, भाई है मेरा मतलब। तो आज हम इसकी डिमांड पे यहाँ पे आए हैं और बड़े दिनों बाद खाएंगे, देखते हैं। हंस मुस्कुरा रहा है, शर्मा जा, मतलब पहली बार आ रहा है साहिल शायद मेरे साथ कैमरे में, है ना भाई? पहली बार है। वैसे एड्रेस मैं बताना भूल गया भाई, एड्रेस वही है पटेल नगर में। आप किसी से भी पूछोगे कि सोनू नमकीन भंडार कहाँ पे है तो आपको बता देंगे। खैर अभी तो सोनू और मैं इंजॉय लेते हैं चाउमीन का। भाई बहुत सारा सामान डाल दिया, चटनी वटनी डाल दी भाई ने, और भाई बहुत खुश है हमको चाउमीन खिला के, क्या बात है भाई। और बढ़िया, ये पूरी पावर लगा दी भाई ने चाउमीन हिलाने में, वो करने बनाने के लिए, समझ रहे हो ना? तो तैयार है ना अब ये? मैं सामान दिखाना भूल गया आप सभी को कि क्या क्या डालता है भाई। तो भाई ये चाउमीन आ चुकी है, और इसका जो टेस्ट है ना, जो 5 साल पहले था आज भी वही है, और बहुत बढ़िया है, तो एक बार ट्राई कर लेना ज़रूर। खैर हम खा लेते हैं इसको क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। तो सोनू का ना पेट नहीं भरा अभी, और हमने ना मैक्रोनी भी खोल दी है। और वैसे एक बात और बतानी थी भाई, इस चाउमीन में ना बहुत सारी वेजिटेबल्स भी डालते हैं, तो इस वजह से भी चाउमीन का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा आया। खैर एक बार ही तो ज़रूर ट्राई कर लेना, मैं तो ये कहूँगा। और अभी मैक्रोनी भी आ रही है, ये हाफ प्लेट है, कितने की है मैक्रोनी? हाफ प्लेट 40 की मैक्रोनी है, हाफ प्लेट 40, जो कि भाई बहुत टेस्टी दिख रही है, तो खा के देखते हैं तभी पता लगेगा। मैक्रोनी वैक्रोनी को तो छोड़ते हैं भाई, ये प्यार से क्यूट से बच्चे दिख गए मुझे, और ये बच्चा मुझे बोला भैया ब्लॉग में ले लो, तो हेलो तो कर दो दोस्त। आपका नाम क्या है? जशन। क्या? जशन। जशन, और आपका नाम? तान्या। हेलो कौन करेगा? हेलो। हेलो, ओके, टाटा बाय बाय, अगली बार मिलेंगे ना तो कैमरे से खुल के बात करना, ठीक है? ओके। शर्मा आ रहे हैं थोड़े से, तो खैर हम खा पी के चलते हैं। ऐसा है, ये हमने तो मैक्रोनी और चाउमीन का आनंद ले लिया, खैर बहुत बढ़िया है और सस्ती भी है भाई बहुत। एक प्लेट चाउमीन है 70 रुपये की, और मैक्रोनी हाफ प्लेट 40 की है, फुल 70 की, ठीक है? तो भाई ट्राई कर लेना, ज़रूर आना, ठीक है? और मेरी डाइटिंग तो यार ऐसी चलती रहेगी, मेरे को पता नहीं कि मैं कब डाइटिंग कर पाऊँगा, क्योंकि है ना बाहर जाना पड़ता है ना, तो पता नहीं लगता यार, बाहर का ही खाना दिखता है बस। खैर कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत करूँगा, कल से कर देंगे। अरे वाह मौसियों, क्या कुछ बना के खाया तुमने? तुम क्या खाया है? हम चाउमीन खाया है, मस्त वाली। तो मौसी कह रही है कि हमसे क्यों नहीं पूछा, हमने फोन तो किया था आपको, आपने बताया क्यों नहीं है मौसी? बताया क्यों नहीं? मेरा मन भी था आज अफगानी चाप खाने का। कौन सी? अफगानी चाप। चलो कोई बात नहीं, अब तो नहीं आ सकती। भाई डायलॉग मौसी के लिए भी, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, बता दो। गोबर खा ले।
क्या गोबर खा लेंगे। सही है मौसी, कैसी कैसी बातें करते रहते हो। छोटा सा बच्चा आ रहा है हमारे पास, कौन है ये हमें ये नहीं पता। क्या नाम है आपका? मौसी के पड़ोस में रहता है और ये है ना बाहर से घंटी बजा के भाग रहा था। घंटी तूने बजाई थी ना? देख स्माइल कर रहा है, देख कैसे देख रहे हो भाई। शांत हो जा, आ जा, कोई बात नहीं, बजा दे तू। क्या कर रही थी दादी? कुछ नहीं। और मम्मी? कुछ नहीं। भाई? घर जाने का टाइम आ गया। मम्मी क्या खिलाया आज आपने? कुछ बना के नहीं खिलाया हमको, पता है आपको? और खैर इतना सब कुछ खा लिया वो कब? अच्छा गुजिया वगैरह खाई थी मतलब। चलते हैं घर की तरफ, चलते हैं या फिर टाइम दुकान पे भी जा सकता हूँ, सोच रहा हूँ चला जाऊँ क्योंकि आज सुबह से नहीं गया और वैसे तो यार बहुत थक गया था क्योंकि सारा दिन बाहर भी काम किया, ब्लॉगिंग भी की, तो इस करके थोड़ा सा लो फील कर रहा था। तो खैर अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाऊंगा। चलो ठीक है मौसी, बाय बाय। ओके मम्मी तो मुझे घर ही ले आई और एक्चुअली मम्मी से ना गाड़ी चल नहीं रही थी, मम्मी बोली तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो मैं चला कर आया हूँ, घर पे आ गया और अभी मैं नहा लेता हूँ मम्मी। ठीक है कुछ को, नाना ठंड हो, नाना नहीं है नहीं। चलो अच्छा हुआ नहीं नाना पड़ेगा, सही हो गया। तो खैर अभी मैं ऊपर चलता हूँ, एडिटिंग वगैरह करता हूँ अभी क्योंकि ब्लॉग डालना है और चलते हैं। और पापा आज मैं शॉप पे नहीं आ पाया उसके लिए सॉरी, खैर कल ज़रूर आऊँगा। और आज यार पूरी हिसार में ना ऐसे घूम लिया तेल वेल लगा के बालों में और नहाया भी नहीं आज, बड़ा ही अजीब सा लग रहा हूँ पता है मुझे ये बात भी। और खैर कल आपके सामने परफेक्टली आएंगे। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो और एक कमेंट। लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।